कि कन्हैया ब्रज छोड़कर मत जाओ मथुरा। अब लेकिन कन्हैया कहते हैं परस्व आगमिष्यामि, अरे मैं परसों आ जाऊंगा, जा रहा हूं ना, मैं परसों आ जाऊंगा। इतना कह करके रथ पर बैठकर अक्रूर जी के साथ कन्हैया बलराम चल देते हैं। जब तक रथ आंखों से ओझल नहीं हो गया, सारे रथ जा रहे हैं, ग्वाल बाल को लेकर के जा रहे हैं कंस के यहां, सारी गोपियां इधर, जब तक ओझल नहीं हुआ रथ निहारती रही, और जब रथ चला गया तो आकर के कृष्ण के विरह में पागल सी हो गई है। और कन्हैया जब रथ लेकर के यमुना के किनारे आए तो कहा, चाचा जरा चल करके नदी में, गंगा जी में, यमुना जी में स्नान कर लिया जाए, स्पर्श कर लेते हैं। और जो ही अक्रूर जी यमुना जी में अपने मुख को धुलते हैं, थोड़ा सा यमुना जी में जाते हैं, तो अदृश्य भगवान के, नारायण के, बलराम के स्वरूप को देखा जल में। और पुनः जल्दी से अपने मुख को जब इधर किया, देखे कन्हैया बलराम तो वहीं खड़े हैं, लेकिन स्वरूप तो यही है। भगवान बोले, काका जी कुछ अजूबा चरित्र देख रहे हैं क्या है आप? जल में ऐसे आश्चर्य में क्यों पड़ गए हैं? अक्रूर जी समझ गए, कहे, हे प्रभु, आप देवताओं के देव, आपका कीर्तन श्रवण पावन है, बड़े बड़े संतों ने आपका यश गाया है, मैं आपको प्रणाम करता हूं। अक्रूर जी बाहर निकले जल से और कन्हैया को लेकर के मथुरा नजदीक आ रहे हैं, पहुंचते हैं। और जब भगवान मथुरा पहुंचे तो उधर कंस जो है सुरक्षा अपनी बढ़ा दिया था, निर्मूल कर दिया था सुरक्षा की। और पहुंचते हैं तो रथ पर से उतर जाते हैं मथुरा और पैदल चलने लगते हैं। अब मथुरा में घूमते घूमते कन्हैया पहुंचते हैं धोबी के यहां, जो माता सीता को बोला था कि ये सीता 14 वर्ष वन में रही, लंका में रावण ले गया, कलंक लगाया सीता मैया के ऊपर, आज वही धोबी मिला भगवान को। और रजकम कंचिदायांतम रंगकारं गदाग्रजः दृष्ट्वाया च तमांसि धौतान्यत्युत्तमानि च। भगवान ने देखा कि जो बढ़िया बढ़िया कपड़े वो धोबी रखा है बना करके, और जो कंस मामा का कपड़ा उसके यहां जो बन रहा है उसको लिया और जबरदस्ती चोला वाला वही कपड़ा पहन लिया। और जब वो धोबी बोला तो कहा कि उस दिन तो तुमने बोल दिया था मर्यादा पुरुषोत्तम थे, आज कृष्ण है, 16 हंस के अवतार है हमारे, केवल नाम संकीर्तनम यस्य, मर्यादा मेरी यहाँ नहीं है। और धोबी को एक ही अपने हाथ से प्रहार किया, धोबी का गर्दन कटकर गिर गया और भगवान उसके वस्त्र को, कंस के वस्त्र को पहन करके आगे बढ़े। आगे बढ़े तो एक दर्जी मिला, उस दर्जी के पास गए और दर्जी को दिया कि ये जो वस्त्र है इसको सही बना दो, जो झुगले टाइप के हैं इनको बढ़िया बना दो। और भगवान ने उस दर्जी, सुमाली माली को, दर्जी को
मुक्ति प्रदान कर दिया और वस्त्र को पहन करके माली के पास आते हैं। आगे भगवान सुदामा नाम के माली के घर पहुंचते हैं। जब उसके पास पहुंचते हैं तो माली देखता है कि कन्हैया भगवान आज मेरे द्वार पर आए हैं। भगवान को दंडवत प्रणाम करके पुष्प मालाओं से सुगंधित पुष्पों की माला बना करके भगवान कन्हैया को पहनाया, चंदनादि का लेप लगाया, बालों सहित भगवान को प्रसन्न किया, सजाया। आज हे प्रभु, आज आपने मेरे कुल को धन्य कर दिया, मेरी कुल को तार दिया भुवन। ऐसी मेरी पूर्व जन्म की जो तपस्या है, उस तपस्या का और इस जन्म की तपस्या का फल प्रभु दे दिया आपने। अहो ये धन्य किया जो आपके दर्शन हो गए प्रभु। भगवान को प्रणाम करता है और भगवान उस पर कृपा करते हुए कुबजा के यहां पहुंचते हैं। तो ये कुबजा है कौन? कुबजा है जो कंस के लिए चंदन मलया गिर चंदन घिस करके ले जा करके कंस को लेप करती थी, चंदन का लेपन लगाती थी। आज जब भगवान आगे बढ़े, इस कुबजा के पास पहुंचते तो सुखदेव जी कहते हैं कि ऐ परीक्षित, कातंबरोर वेत दुहनानुलेपनम कस्यांगने वा तथस्व साधुनः। हे सुंदरी, टेढ़ है, तीन जगह से टेढ़ी है कुबजा, ये कमर उसकी निकली हुई है। लेकिन उसके पास पहुंचते हैं तो भगवान कहते हैं सुंदरी, सुंदरी तुम कौन हो? बहुत सुंदर हो। अब कुब्जा करी कि तीन जगह से तुम टेढ़े हैं, हाँ हाथ इधर है, कमर इधर है, और सुंदरी सुंदरी कह रहे हैं आप। हे सुंदरी, बहुत सुंदर हो, ये जो अंग चंदन का लेप लेती के जा रही हो, किसके लिए ले जा रही हो? अरे कहा कि और ये लेप हमको लगाओ, चंदन का अंग हमें लगाओ, इससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अब जो कुब्जा है वो क्रोध करके कहने लगी, अरे मथुरा वालों की तरह तुम भी मेरा कुबड़ी का उपहास उड़ा रहे हो कन्हैया, सुंदरी का कर मेरा उपहास कर रहे हो? अरे मैं तो कुबजा हूं, मैं कंस की दासी कुबजा हूं, कई जगह से टेढ़ी हूं, दुनिया वाले मेरा उपहास करते हैं, पर तुम ना करो कन्हैया। अब आपको देख करके कन्हैया मेरा मन जो है कहता है कि अब ये चंदन उस पापी कंस को न ले जाकर के अंगराग करने का, बल्कि अब मैं ये अंग का लेपन आपको करूंगी, चंदन का लेपन। कन्हैया जी, कुब्जा बोली, झुकिए मैं लेप लगाती हूं कन्हैया, इस चंदन का लेप करती हूं। तभी कन्हैया नीचे झुक जाओ, तभी मस्तक पर हाथ लगाऊं। गोविंद ने ज्यों ही झुके, अंग का लेपन ज्यों ही झुकी करने के लिए, भगवान श्री कृष्ण उसके पैर को अपने अंगूठे से पकड़कर डोरी लगाकर खींच दिया और कुब्जा एकदम सुंदर युवती बन करके खड़ी हो गई। और जो सुंदर स्त्री हो गई कन्हैया, जब पलटे तो उस युवती ने, कुब्जा ने कन्हैया के वस्त्र को पकड़ लिया, पटके को पकड़ लिया और कहने लगी, एही पीर गृहम यामो न ताम तुमी हो सवे। हे वीर पुरुष, अब आप मेरे घर चलिए, अब मैं आपको छोड़ने वाली नहीं हूं। आप, भगवान बोले कि क्यों नहीं छोड़ने वाली हो? हे सुंदरी, आएंगे हम आपके पास आएंगे, पहले मामा कंस से तो मिल लें,
अब कंस मामा से मिलने के बाद हम तुम्हारे यहां आएंगे। यहां कुब्जा का उद्धार करने के बाद भगवान कृष्ण आगे बढ़ते हैं बलराम सहित। आगे बढ़ते हैं तो कन्हैया रंग भूमि आए यदुराई अचक्र धनुष मही तोर गिराई। धनुष रखा हुआ था भगवान शिव का और जब रंग मसाला पे पहुंचे धनुष को छुए वो धनुष टूट गया। एक बार वो धनुष किसका था? एक बार कंस ने नारद जी से पूछा कि मुझसे श्रेष्ठ कोई और पहलवान है जो मुझे जीत सके? नारद जी बोले महेंद्र पर्वत पर परशुराम जी के पास जाकर युद्ध करो। तपस्या करते हुए परशुराम जी को युद्ध को ललकारा यह कंस। पहले तो परशुराम शांत रहे लेकिन जब परशुराम से परशुराम पुनः बोला तो परशुराम को हरा दिया यह कंस और पुनः परशुराम से याचना करने लगा तो परशुराम प्रसन्न हुए और एक धनुष दे दिया। और धनुष लेने के बाद कहा कि जो इस धनुष को तोड़ेगा उसी के द्वारा दूसरे दिन तू मारा जाएगा। अर्थात जिसके द्वारा धनुष टूटेगा उसी के द्वारा तेरी मृत्यु होगी। आज वही रंगशाला में धनुष को जब कन्हैया तोड़ दिए तो कंस की समस्या और बढ़ गई। अब तो कंस परेशान हो गया। आगे जब कन्हैया बढ़े तो कुबलया पीठ हाथी को मदबान करा करके सामने द्वार पर खड़ा कराया गया था। गोविंद जब पहुंचे तो महावत अपने हाथी को कुबलिया पीठ को रास्ते में लगा दिया कन्हैया जहां से जा रहे थे और भाले से कुबलिया पीठ के गर्दन पर जब मारा तो कुबलिया पीठ भगवान की तरफ दौड़ा। जब वह कुबलिया पीठ भगवान को पकड़ने की कोशिश किया तो भगवान उसके कुबलिया पीठ के सूंड को पकड़कर मुख को पकड़कर 10 धनुष दूर फेंक दिए। कुबलिया पीठ को मार करके भगवान मल्लयुद्ध चाड़ूर और मुष्टिक दो पहलवान थे उनके पास पहुंचे। चाड़ूर से भगवान श्री कृष्ण और मुष्टिक से बलराम का युद्ध होने लगा। अब जो समाज वहां पर आया था गोकुल के जितने भी वासी थे सब देख रहे हैं कि ये तो अनित से यहां पर अनित हो रही है। इतने बड़े बड़े बलशाली योद्धा पहलवान कहां ये नन्हे मुन्ने बालक, अरे भला इस पहलवान से कैसे जीत पाएंगे? लेकिन कन्हैया और बलराम इन दो महापहलवान धुरंधर पहलवानों को उसी जगह पर पैर पकड़ करके युद्ध में इन दोनों चारुण और मुष्टिक को मार दिया। अब चारुण और मुष्टिक मर गए तो मामा कंस की बारी आ गई। अब कंस परेशान, अब कंस देखा, कंस कहने लगा, बौखला गया कि पकड़ो वसुदेव के पुत्रों को, पकड़ लो। सभी सिपाहियों को आदेश दिया और इन सब को नगर से बाहर निकाल दो और सभी गोपों का धन हरण कर लो। जब श्री कृष्ण ने ऐसे दुर्वाग कहते सुना तो बोले मामा जी आप धैर्य रखिए, सभी को गाली काहे देते हो, अनाप शनाप बकते हो, मैं तो अब आपके पास आ रहा हूं। आकाश में
दुंदुबिया बजने लगी। भगवान कन्हैया, कंस बैठा था अपने आसन पर जाकर के, छलांग लगा करके आसन पे जाकर के बैठ करके फुर्ती से सिंहासन पर चढ़ गए और जैसे भयंकर सर्प विषधर को गरुड़ जो ही अपने पंजे में पकड़ते हैं तो निस्तेज हो जाता है, और जैसे ही कन्हैया ने कंस को पकड़ा, उसके केस को पकड़ा और लेकर के कूद पड़े और कंस की छाती पर भगवान ने एक प्रहार किया, और प्रहार करते ही कंस का प्राणांत हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो बाल कृष्ण लाल की। अब इधर कन्हैया का जब मामा कंस का वध करते हैं, कन्हैया का वध करने के बाद, कन्हैया कंस का वध करने के बाद अक्रूर जी पुनः कुबजा के घर जाते हैं और अक्रूर जी पर कृपा करते हैं। कहते हैं कि अक्रूर जी पर कृपा कैसे किया? अक्रूर जी के घर भगवान पहुंचे। नमामि कृष्णम रामम च सातैरप्यवादिनः पूज्यामास विधिवत कृतासन परिग्रहान। अक्रूर जी को प्रणाम करते हैं और अभिवादन करते हैं। तदनंतर अक्रूर जी भगवान की विधिवत पूजा किया, चरणों तक लिया और भगवान अक्रूर जी पर कृपा करके पुनः आते हैं। एक छोटा सा भजन, उसके बाद पुनः कथा में चलते हैं। थोड़ी देर और कथा। कम अर्थात जिसके घर घर में वेद का उच्चारण हो, कम कहते हैं वेद को, जिसके घर घर में वेद का उच्चारण हो, वेद का मंत्र पाठ होता हो, विराजमानम मंत्र बोला जाता हो, वेद की पुस्तक विद्यमान हो, वही है द्वारिका। द्वारे द्वारे कम वेद विराजमानम तम द्वारिका। बोल के बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। परीक्षित से कहते हैं सुखदेव भगवान, आज खष्टम दिवस की कथा चल रही है। गंगा के किनारे बिना अन्न जल किए चतुर्थ दिवस से परीक्षित जी महाराज प्रश्न पे प्रश्न करते चले जा रहे हैं और सुखदेव भगवान उनको बता रहे हैं। सातवें दिन मोक्ष होना है इस भागवत से खष्टम दिवस की कथा में कह रहे हैं। ये राजन परीक्षित,
भगवान श्री कृष्ण मगध राजा शिशुपाल और सर्व राजाओं को जीत कर रुक्मिणी को कैसे लाए, और आप इस अमृतमय कथा को विस्तार से सुनाने की कृपा करें। सुखदेव जी कहते हैं कि राजा आसीद भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर महान तस्य पंचाभवन पुत्राः कन्यका ववरानना। हे राजन, अत्यंत बलवान विदर्भ नरेश भीष्मक के पांच पुत्र थे। पांचों का नाम था रुक्मी, रुक्म, रुक्म बाहु, रुक्म केश और रुक्म माली। रुक्मिणी ने भगवान श्री कृष्ण के विषय में उनकी वीरता और सुंदरता की बातें सुनकर उनको अपने मन में ही श्री कृष्ण को पति मान चुकी थी। चूंकि ये लक्ष्मी रूप अवतार थी रुक्मिणी जी, पति रूप में शुरू से ही वर्णन कर लिया। रुक्मिणी की माता पिता तथा रुक्मी को छोड़ करके सभी भाई बहन श्री कृष्ण को ही देना चाहते थे, श्री कृष्ण से ही विवाह करना चाहते थे, लेकिन रुक्मी भगवान श्री कृष्ण से रुक्मिणी का विवाह नहीं करना चाहता था। ये तो शिशुपाल से विवाह करना चाहता था और शिशुपाल से रुक्मिणी जी का विवाह तय करवा दिया था, और उसने सबकी अनदेखी करके पक्का रिश्ता करके तिथि तय कर दिया था। यह सारा वृत्तांत जब रुक्मिणी को ज्ञात हुआ, पता चला रुक्मिणी मैया को, तो बहुत दुखी हुई और अत्यंत दुखी होकर ब्राह्मण, एक ब्राह्मण को बुला करके, सुदेव नाम था, सुदेव नामक ब्राह्मण को बुला करके एक पत्र लिखा और पत्र लिख करके ब्राह्मण को दिया और कहा कि ये हमारा पत्र कन्हैया को ले जाकर के द्वारिकाधीश पहुंचा दीजिए। अब वह ब्राह्मण पत्र को लेकर के पहुंचा द्वारिकापुरी में और कन्हैया को दिया पत्र। जब कन्हैया को दिया तो कन्हैया कह रहे कि हे ब्राह्मण देवता, इस पत्र को आप ही सुनाओ, इस पत्र को आप ही बांचो। पत्र में लिखा है, हे श्याम सुंदर, मैंने आपको अपना पति बनाने का संकल्प ले लिया है। मन से, कर्म से, वचन से और वाणी से पहले से ही मैंने आपको अपना पति मान लिया है, पति बनाने का संकल्प कर लिया है। लेकिन जबकि मेरा बड़ा भाई रुक्मी मेरा विवाह शिशुपाल से तय कर दिया है और आप आकर के मुझको यहां से लेकर के चलो। रुक्मिणी जी कह रही है कि मैं माता अंबिका की पूजन करने आऊंगी। कन्हैया आप वहीं आना और वहां से मुझको लेकर के चलना। लक्ष्मी जी, माता लक्ष्मी और नारायण, रुक्मिणी जी लक्ष्मी के अवतार हैं। अब माता जो है यहां पर आकर मुझे वहीं पर मिलना, वही मुझको लेकर के आना। पूर्वे दुरस्ति महती कुल देवी यात्रा यस्याम बहिर्नवधूर गिरिजा मुपेयात। अब जो है कन्हैया से जब कहा तो कन्हैया वहां से रथ लेकर के आए, बहुत सुंदर झांकी। आज विवाह है रुक्मिणी का, गोविंद का बहुत ही सुंदर झांकी आ रही है,
आप सब इस झांकी का आनंद लीजिए और प्रेम से इस विवाह का, इस उत्सव का आनंद लीजिए। भगवान रथ लेकर के आते हैं।